और झारखंड में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनसभा करेंगे। अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में करेंगे जनसभा। अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के वोट की अपील की जाएगी। तो जहां एक और नेताओं का ये जमावड़ा झारखंड में आज देखने को मिलेगा, कई दिग्गज यहां पर उपस्थित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर जनसभा करते नजर आएंगे, यानी झारखंड में दिग्गजों की उपस्थिति। राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री हो या फिर राहुल गांधी हो, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के वोट की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड में दिग्गजों का यह जमावड़ा आज लगने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। जहां अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका यानी कि तीन जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के वोट करने की अपील उनके द्वारा की जाएगी। तो गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही नेता आज झारखंड में रहेंगे और अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका यहां पर जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के यहां पर वोट की अपील उनके द्वारा की जाएगी। तो झारखंड में दिग्गजों का यह जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ही आज झारखंड में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और वोट की अपील अपने प्रत्याशियों के लिए की जाएगी उनके द्वारा। तो झारखंड में आज दिग्गजों का यह जमावड़ा और गृहमंत्री अमित शाह और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी आज झारखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी, अगर झारखंड की बात की जाए तो आज तमाम बड़े नेता की मौजूदगी, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह या फिर कहें विपक्ष की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी नजर आएंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर वो दिखाई देंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह का तीन कार्यक्रम होने हैं और तीन कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। सिमरिया है, इसके अलावा अन्य दो विधानसभा सीट है, उन दोनों सीटों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है और अपने प्रत्याशी जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। हालांकि देखिए, अमित शाह कल देर शाम ही रांची पहुंच गए थे और अपने निर्धारित समय के अनुसार अमित शाह थोड़ी देर के बाद रांची एयरपोर्ट से चॉपर के माध्यम से सबसे पहले वो सिमरिया रवाना होंगे। सिमरिया में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा दो अन्य जो विधानसभा है उन विधानसभा में अमित शाह का कार्यक्रम है। तो ये कह सकते हैं एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का तीन सभा है, इसके अलावा जमशेदपुर में अमित शाह का एक रोड शो है, रोड शो के भी लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। हालांकि देखिए, जमशेदपुर में जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के जो बड़े नेता है, राहुल गांधी का कार्यक्रम है। राहुल गांधी जमशेदपुर पहुंचेंगे और जमशेदपुर में तकरीबन 2 बजे के आसपास कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, झारखंड सरकार के जो मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की चुनावी सभा के बाद एक रोड शो का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रशासन के तरफ से राहुल गांधी की रोड शो को इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन वही दूसरी ओर अमित शाह के रोड शो को इजाजत मिल गई है। अमित शाह तीन सभा को संबोधित करने के बाद जमशेदपुर में वो अपने पार्टी के जो उम्मीदवार है यानी भाजपा और जदयू, जो दो दल है, दोनों दलों के जो प्रत्याशी है सरयू राय और एक जो और प्रत्याशी उसके पक्ष में वो रोड शो करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज देश के दो दिग्गज यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। हालांकि देखिए, ये बीजेपी दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर के मैं बाहर हूँ और कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर में अभी फिलहाल जो चहलकदमी है वो पूरी तरह से बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार भाजपा के जो बड़े नेता है वो झारखंड दौरे पर आ रहे हैं
और जो उनकी स्ट्रेटजी है, उनका रोड मैप है, वो तैयार इसी भाजपा कार्यालय से होती है। हालांकि देखिए, बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे कई सांसद है वो पहुंच चुके हैं और अमित शाह के कार्यक्रम में वो चौपर के माध्यम से वो तमाम जो जगह है वो वहां पर वो रवाना होंगे। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी लेकर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री भी कला रहे हैं तो प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम को लेकर जो स्ट्रेटजी है पार्टी के नेता ग्राउंड जीरो से वो बना रहे हैं। जी हाँ, तमाम कार्यक्रमों का देखिए आपने जिक्र किया, ऐसे में चहलकदमी देखी जा सकती है नेताओं के। और ऐसे में समझना चाह रहा हूं, देखिए आप बीजेपी का जो रोड शो है वो आखिर कितना लंबा रोड शो रहने वाला है, कहीं गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो और साथ ही साथ राहुल गांधी को जो इजाजत नहीं मिली है इसकी क्या कुछ वजह बताई गई है? देखिए, फिलहाल जो प्रशासनिक अमलों की अगर बात करें तो वो फिलहाल जानकारी वो नहीं दे रहे कि अमित राहुल गांधी की जो रोड शो है वो किसके वजह से इजाजत नहीं दी गई तो। लेकिन एक कह सकते एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की इजाजत दी जाती है, लेकिन दूसरी ओर वही कांग्रेस के जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी के रोड शो की इजाजत नहीं दी जाती। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि दो बड़े नेता है, दो बड़े नेताओं का कार्यक्रम आज जमशेदपुर में रोड शो के माध्यम से होने हैं, तो ऐसे स्थिति में रोड शो को इजाजत ना देना राहुल गांधी की, इसके वजह से इसका वजह क्या है वो प्रशासन के लोग फिलहाल अभी नहीं बता सक रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दो बड़े नेता आज झारखंड दौरे पर हैं, कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। इसके अलावा जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा हेमंता बिस्व शर्मा, उनके भी कई कार्यक्रम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आज झारखंड में चुनावी समर में तमाम जो दिग्गज है वो नजर आएंगे, चुनावी ग्राउंड में नजर आएंगे, अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से जो उनके कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां एक और गृहमंत्री अमित शाह, तो वहीं राहुल गांधी आज झारखंड में एक्टिव मोड में नजर आएंगे और ऐसे में दोनों ही नेता जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं आगे बढ़ेंगे। और झारखंड में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनसभा करेंगे, अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका में जनसभा करते हुए नजर आएंगे, राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में करेंगे जनसभा। अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के वोट की अपील की जाएगी। तो जहां एक और नेताओं का यह जमावड़ा झारखंड में आज देखने को मिलेगा, कई दिग्गज यहां पर उपस्थित होंगे, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर जनसभा करते नजर आएंगे। यानी झारखंड में दिग्गजों की उपस्थिति, राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में जनसभा करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री हो या फिर राहुल गांधी हो, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के वोट की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो झारखंड में दिग्गजों का यह जमावड़ा आज लगने वाला है, गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही नेता जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका यानी कि तीन जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के वोट करने की अपील उनके द्वारा की जाएगी। तो गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही नेता आज झारखंड में रहेंगे और अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग और पोटका यहां पर जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जमशेदपुर के मानगो में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के यहां पर वोट की अपील उनके द्वारा की जाएगी। तो झारखंड में दिग्गजों का यह जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ही आज झारखंड में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और वोट की अपील अपने प्रत्याशियों के लिए की जाएगी उनके द्वारा। तो झारखंड में आज दिग्गजों का यह जमावड़ा और गृहमंत्री अमित शाह और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी आज झारखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, अगर झारखंड की बात की जाए तो आज तमाम बड़े नेता की मौजूदगी, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर कहें विपक्ष की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी नजर आएंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर वो दिखाई देंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद
देश के गृह मंत्री अमित शाह का तीन कार्यक्रम होने हैं और तीन कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। सिमरिया है, इसके अलावा अन्य दो विधानसभा सीट है, उन दोनों सीटों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है और अपने प्रत्याशी जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। हालांकि देखिए, अमित शाह कल देर शाम ही रांची पहुंच गए थे और अपने निर्धारित समय के अनुसार अमित शाह थोड़ी देर के बाद रांची एयरपोर्ट से चॉपर के माध्यम से सबसे पहले वो सिमरिया रवाना होंगे। सिमरिया में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा दो अन्य जो विधानसभा है उन विधानसभा में भी अमित शाह का कार्यक्रम है। तो ये कह सकते हैं एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का तीन सभा है, इसके अलावा जमशेदपुर में अमित शाह का एक रोड शो है, रोड शो के भी लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। हालांकि देखिए, जमशेदपुर में जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के जो बड़े नेता है, राहुल गांधी का कार्यक्रम है। राहुल गांधी जमशेदपुर पहुंचेंगे और जमशेदपुर में तकरीबन 2 बजे के आसपास कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, झारखंड सरकार के जो मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की चुनावी सभा के बाद एक रोड शो का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रशासन के तरफ से राहुल गांधी की रोड शो को इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन वही दूसरी ओर अमित शाह के रोड शो को इजाजत मिल गई है। अमित शाह तीन सभा को संबोधित करने के बाद जमशेदपुर में वो अपने पार्टी के जो उम्मीदवार है, यानी भाजपा और जदयू, जो दो दल है, दोनों दलों के जो प्रत्याशी है सरयू राय और एक जो और प्रत्याशी उसके पक्ष में, वो रोड शो करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज देश के दो दिग्गज, यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इसके अलावे देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। हालांकि देखिए, ये बीजेपी दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर के मैं बाहर हूँ और कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर में अभी फिलहाल जो चहलकदमी है वो पूरी तरह से बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार भाजपा के जो बड़े नेता है वो झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और जो उनकी स्ट्रेटजी है, उनका रोड मैप है, वो तैयार इसी भाजपा कार्यालय से होती है। हालांकि देखिए, बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं, इससे कई सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं और अमित शाह के कार्यक्रम में वो चॉपर के माध्यम से वो तमाम जो जगह है वो वहां पर वो रवाना होंगे। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी लेकर एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री भी कला रहे हैं तो प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम को लेकर जो स्ट्रेटजी है पार्टी के नेता ग्राउंड जीरो से वो बना रहे हैं। जी, तमाम कार्यक्रमों का देखिए आपने जिक्र किया, ऐसे में चहलकदमी देखी जा सकती है नेताओं के, और ऐसे में समझना चाह रहा हूं देखिए आप बीजेपी का जो रोड शो है वो आखिर कितना लंबा रोड शो रहने वाला है, कहीं गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो और साथ ही साथ राहुल गांधी को जो इजाजत नहीं मिली है इसकी क्या कुछ वजह बताई गई है? देखिए, फिलहाल जो प्रशासनिक अमलों की अगर बात करें तो वो फिलहाल जानकारी वो नहीं दे रहे कि अमित राहुल गांधी की जो रोड शो है किसके वजह से इजाजत नहीं दी गई। तो लेकिन एक कह सकते एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की इजाजत दी जाती है, लेकिन दूसरी ओर वही कांग्रेस के जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी के रोड शो की इजाजत नहीं दी जाती। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि दो बड़े नेता है, दो बड़े नेताओं का कार्यक्रम आज जमशेदपुर में रोड शो के माध्यम से होने हैं, तो ऐसी स्थिति में रोड शो को इजाजत ना देना राहुल गांधी की, इसके वजह से इसका वजह क्या है वो प्रशासन के लोग फिलहाल अभी नहीं बता सक रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दो बड़े नेता आज झारखंड दौरे पर हैं, कांग्रेस के भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। इसके अलावा जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा हेमंता विश्व शर्मा, उनके भी कई कार्यक्रम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आज झारखंड में चुनावी समर में तमाम जो दिग्गज है वो नजर आएंगे, चुनावी ग्राउंड में नजर आएंगे, अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से जो उनके कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, सूरज आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जो